भाभी। हर्षित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप बहुत खूबसूरत हैं भाभी। क्या बदतमीजी है, जाओ यहाँ से। हर्षित छोड़ो मुझे। भाभी आप चिल्ला क्यों रहे हो, कोई गलत समझ बैठेगा। भाभी जी आप नाराज हो गए क्या? भाभी सुनो। हर्षित, तेरी इतनी हिम्मत, हाथ छोड़। क्या कर रहा है यहाँ पे? भाभी मैं गलती से कमरे में आ गया। तो गलती से तो तू इस घर में भी आया है, आज से तेरा इस घर में दाना पानी बंद। चल निकल यहाँ से। भैया छोड़ो। तेरी भैया छोड़ो मुझे, छोड़ो। मामा मामी घर से आनंद भैया पगला गया है। अपने बाप के घर जा। मामा बचाओ इस पागल भाई से, ये मार डालेगा मुझे किसी दिन। अगर तू इस घर में रहा तो सच में मार डालूंगा तुझे। चुप करो आनंद, ऐसा क्या कर दिया इसने जो इतना सफल रहे हो? इसी से पूछिए ना बाबूजी। मैं बताता हूँ मामा, मैं भाभी जी के कमरे में चाय पूछने के लिए गया था। वहां भाभी जी कपड़े बदल रही थी, उसी वक्त भैया आ गए और मुझ पर भड़कने लगे और घसीट के बाहर निकालने लगे। आधी बात मत बोलो हर्षित, तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। अभी ये क्या बोल रहे हो आप, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैं कसम खा के बोलता हूँ। अच्छा तू सुष्मिता के कमरे में गया था कि नहीं? समझ गई मैं, अब तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। लेकिन कब तक माँ जी, इसकी हरकतें ठीक नहीं है। अरे देवर है तुम्हारा, अगर मजाक में हाथ पकड़ भी लिया ना तो फूल नहीं चढ़ गए तुम्हारे हाथ के। माँ जी मजाक उसका अच्छा लगता है जिसकी नीयत अच्छी हो। इतना ही सबकी नीयत पे शक है अगर, तो दरवाजा बंद करके नहाना धोना चाहिए था। ये मत भूलो कि तुम दोनों के अलावा भी और लोग हैं इस घर में, सावधानी बरतनी चाहिए थी कि नहीं? बाऊजी बाहर के चोरों और लफंगों से तो हम साधन रह सकते हैं, लेकिन जब इस तरह का लुच्चा लफंगा इस घर में रह रहा हो तो कब तक? भैया अगर मुझे लुच्चा लफंगा बोला तो अच्छा नहीं होगा, कोई कमी नहीं है मेरे पापा के पास, जब चाहो इस घर को छोड़ के जा सकता हूँ। तो जाना आनंद। नहीं हर्षित बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाएंगे तो ये दोनों जाएंगे। तो वैसे भी निकम्मे और निठल्लों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। 2 साल हो चुके हैं तुम दोनों की शादी को, अरे तरस गई हूं मैं पोते का मुंह देखने के लिए। हर्षित की वजह से मेरा मन बहला रहता है और वो ही तुम दोनों की आंखों में खटकता है। सब समझती हूँ मैं। मृदुला मामी तुम ठीक तो हो? सुष्मिता पानी ला। थोड़ा चक्कर आ गया। तुम ठीक तो हो मृदुला? थोड़ा चक्कर आ गया था जी। कुर्सी ले जाओ। नहीं चाहिए मुझे पानी वाली। दे सकती हो तुम मुझे, बस एक पोता दे दो। सो जाओ सुष्मिता। पत्नी इतनी प्रॉब्लम में, पत्नी को कैसे नींद आ सकती आनंद? तुम मेरी प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकते सुष्मिता, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम की वजह मैं खुद हूं। तुम देखते जाओ बस, मूड चेंज होगा तो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। कहां दूर प्रॉब्लम हुई सुष्मिता, पूरा 1 साल हो गया इलाज चलते हुए, लेकिन इस घर को एक बच्चा तक नहीं दे पाए। पति पत्नी के प्यार की निशानी होते हैं बच्चे, घर की खुशहाली होते हैं बच्चे, लेकिन शायद हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है। मेरे साथ सब ठीक होगा आनंद, मेरा दिल कहता है मैं माँ जरूर बनूंगी। कब सुष्मिता कब? देखा ना तुमने रोज रोज कैसी जलालत की जिंदगी जीनी पड़ती है, हमें भी और हमारी वजह से तुमको भी। ऊपर से एक ढंग की नौकरी तक नहीं मिल पाई, नहीं तो कब का छोड़ के चले जाते ये घर। और जरा सोचो जब माँ बाबू जी को इस बात का पता चलेगा कि उनका इकलौता बेटा बाप बनने लायक नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या सहना और सुनना पड़ेगा हमें। आनंद ऐसा क्यों सोच रहे हो, हमें बच्चा भी होगा और जल्द से जल्द तुम्हें एक अच्छी नौकरी भी मिलेगी। नहीं सुष्मिता, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता, शायद हमारे नसीब से
लक्ष्मी और खुशी दोनों रुठ गई हैं। तुम बस इस लक्ष्मी को खुश रखो, इस घर की लक्ष्मी, फिर देखना हमारे पास कैसे खुशी आएंगी। और बाहर से हेलो प्यारे बहनोई साहब, कैसे हैं आप सब? खैरियत तो है? ये बताइए साले साहब, ऐसा ही रिश्तेदारी निभाई जाती है? अरे भाई क्या हो गया, कुछ हमसे गलती हो गई क्या? कल फिर आपके बेटे ने बदतमीजी की मेरे हर्षद के साथ। अगर आप लोग नहीं चाहते कि हर्षद वहाँ आप लोगों के साथ रहे तो मैं उसकी कहीं और व्यवस्था कर देता हूँ। इलाहाबाद शहर में घर की कमी नहीं है। पैसा फेंकूंगा तो कई घर मिल जाएंगे हर्षद के रहने के लिए। आप तुरंत मेरा 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट पर ट्रांसफर कीजिए, मैं हर्षद को कहीं और शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है ना? नहीं नहीं विजय बाबू, हर्षित भांजा है मेरा, वो इलाहाबाद शहर में रहे और कहीं और रहे, ऐसा कभी हो सकता है? मैं आनंद को समझा चुका हूँ और वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने कह दिया है उससे कि जब तक हर्षित इस घर में है उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आनंद आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। बाबूजी वो नौकरी के इंटरव्यू के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर 200-300 रुपए मिल जाते तो काम हो जाता हमारा। पैसे बाप ने पेड़ पर लगा रखे हैं क्या? जब चाहा मुंह उठा के चले आए पैसे मांगने। तुम्हारी उम्र में कमाने भी लगा था और तुम्हारा बाप भी बन गया था, शर्म नहीं आती है? ना आज तक एक रुपया कमा के दिया है और ना पोता पैदा करके दिखाया है। बाबूजी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं ना हम, घर पे खाली नहीं ना बैठे, और पोता सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है, भगवान की भी मर्जी होनी चाहिए। बहस मत करो, विजय जी ने आज तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या नहीं सुनाया है। घर लेते वक्त जो उन्होंने कर्जा दिया था हमें 5 लाख रुपए, आज वो मांग रहे थे। एक तरीके से धमकाया है आज उन्होंने मुझे कि हर्षित को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो इसने फिर से अपने बाप से शिकायत कर दी। हाँ तो बताना तो पड़ेगा ना इस घर में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। क्या बोला? तू देख मम्मी, धक्के मार के तुझे घर से निकालूंगा। निकल जा इस घर से, निकल जा और अपनी बीवी को भी साथ ले जा। बाबूजी ये सही नहीं कर रहे हैं आप। मालिक हूं मैं इस घर का, जो चाहूं वो कर सकता हूं। अरे मेरे टुकड़ों पे पलते हो तुम दोनों, बस अब और नहीं पलने दूंगा। कमाई धमाई एक पैसा नहीं और गर्मी 150 डिग्री। बाबूजी माफ कर दीजिए इन्हें, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऐसे लड़ाई झगड़ा करके जाना अच्छी बात नहीं है। आनंद तुम जाओ अभी यहां से, प्लीज जाओ। आनंद मैंने कहा था ना हमारी लाइफ में खुशियां जरूर वापस आएंगी, और देखो तुम्हें जॉब भी मिल गई, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखते हैं कब सब कुछ ठीक होता है। आनंद ऐसी मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हो तुम? सुष्मिता तुमने देखा नहीं सुबह कैसे बाबूजी ने
हमें घर से धक्के मार के सबके सामने निकाला। अब नहीं करेंगे, तुम कमाने वाले हो गए हो और पैसा देख के तो हर किसी का नजरिया बदल जाता है। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, मजबूर को सबसे पहले दबाते हैं घर वाले और रिश्ते नातों से ज्यादा पैसा ही हो गया है। तभी तो माँ बाबू जी अपने घर के इकलौते बेटे से ज्यादा पैसे को महत्व देते हैं। वो तो है, वैसे भी गरीब के जीते जी उसको कहाँ इज्जत मिलती है आनंद। खैर वो सब छोड़ो, पेमेंट की कुछ बात हुई? मेरा मतलब कितना दे रहे हैं? 20,000 पे बात हुई है। अच्छा चलो ठीक है, जहाँ कुछ नहीं मिल रहे थे वहां 20,000 भी बहुत है। लेकिन आनंद एक प्रॉब्लम है, पेमेंट तो तुम्हें एक महीने के बाद मिलेगी और परसों डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर की फीस अम्मा बाबूजी देंगे क्या? सुष्मिता अभी ये सब बातें मत करो ना, मैं अभी और टेंशन नहीं लेना चाहता। रही बात पैसों की तो कल करूंगा कुछ इंतजाम। ठीक है पतिदेव, सो जाते हैं। सो जाते हैं? हाँ। बाबूजी ये रहा सामान, ये लीजिए। ₹750 बचे होंगे, पैसे दो। क्या हुआ आनंद? ये पैसे कहाँ चले गए? ₹2,000 दिए थे, 1,250 का सामान आ गया, बाकी के पैसे निकालो। बाबूजी लगता है पैसे कहीं गिर गए। क्या तुम होश में तो हो? कमाना धमाना 1 रुपया नहीं, ऊपर से ₹750 और गिरा दिए। तो बाबूजी इसमें मैं क्या करूं? जाओ जाके पैसे ढूंढ कर लाओ और तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक तुम पैसे लेना हो। बाबूजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अभी कहां ढूंढूंगा मैं पैसे, वो भी इतने रात के टाइम में। जानते हो आनंद, जिंदगी में मुझसे सिर्फ एक गलती हुई है, एक, तुम जैसा नालायक बेटा पैदा करके। और वही गलती आप मुझसे भी करवाना चाहते हैं। पोता चाहिए ना आपको? क्यों चाहिए पोता? अगर कहीं वो इस नालायक बाप की तरह नालायक निकला तो? फिलहाल आप इसी नालायक को झेल लीजिए, और शायद आपकी इसी जबान की वजह से आपको पोता वोता होता नहीं है। आनंद जब मामा इसको सुनाते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है सच में। मेरी मजबूरी ने मुझे चोर भी बना दिया सुष्मिता। डॉक्टर की फीस देने के लिए बाबूजी से झूठ बोलना पड़ा। चिंता मत करो, वैसे भी 2 दिन बाद तुम्हारी जॉब लगने वाली, हम किसी भी बहाने से नहीं ये पैसे लौटा देंगे ना आनंद। बाबूजी अब सब ठीक हो जाएगा। कृपा है मालिक की, तुझे नौकरी मिल गई, खूब कमाना बेटा। ये ले बेटा नई शक्ल, भगवान करे तू अपनी नई नौकरी में खूब तरक्की करे जी। और जल्दी से हमें पोता दे दे। अरे मामी नौकरी में पोता नहीं मिलता, तनख्वाह मिलती है। और हाँ पूरी की पूरी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ पर रखना, फिर ये ना कहना कि बाबूजी रास्ते में मेरे से पैसे गुम गए। अरे मामा अब तनख्वाह हाथ में नहीं मिलती, सीधा अकाउंट में आती है। तो अकाउंट से सीधा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। बाबूजी सैलरी 1 महीने के बाद मिलेगी और आप अभी से पीछे पड़ गए। आनंद तुम बाबूजी को वचन दे दो ना, जब तुम्हारी पेमेंट आए तो वचन पूरा कर देना। ठीक है बाबूजी। अच्छा माँ अब मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, जॉब का पहला दिन है, कम से कम अम्मा बाबूजी का चरण स्पर्श तो कर लो। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। अब तो इसके पति को जॉब भी मिल गई, अब इसका भाव और बढ़ जाएगा।
हेलो जी विजय जी, सब कुशल मंगल है ना? देखिए साले साहब, हम व्यापारी हैं, कुशल मंगल की चिंता नहीं करते, व्यापार करते हैं। हाँ वो तो है। देखिए मुझे 25 लाख रुपए की जरूरत है इस महीने में, और आप मुझे मेरे 5 लाख रुपए वापस कर दीजिए। इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा विजय जी? और हर्षित की तरफ से आप बेफिक्र रहिए, हम उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। अरे हर्षित का पूरा ख्याल रख रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? फ्री में रख रहे हैं, 25,000 रुपए महीना दे रहा हूँ आपको मैं, मेरा पैसा क्या हड़प जाएंगे आप? नहीं नहीं विजय जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अगले महीने इसी तारीख को आपसे फोन करूंगा, पैसे का इंतजाम रखिएगा। कहां से लाऊंगा एक महीने में 5 लाख रुपए? अरे आप आ गए, कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? ऑफिस का दिन तो सुष्मिता, ये तो मेरी दवाई है। हाँ वो मैं ही लेके आई, रुकिए मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। सुष्मिता एक मिनट, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्योंकि दवाइयाँ तो 1600-1700 रुपए की थी। मेरे पास थे पैसे, थोड़ा थोड़ा करके मैंने बचा के रखे थे। तो पागल पे बहू, मेरे ना 1700 रुपए नहीं मिल रहे, तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं तो माँ जी, कहाँ रखे थे आपने? ने कबट में ही रखे थे, बाकी सब पैसे हैं, बस 1700 रुपए ही नहीं मिल रहे। माँ शायद आपने खर्च कर दिए होंगे और भूल गए होंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कोई भूलता है क्या? अरे ये इतनी ज्यादा दवाइयाँ किस बात की हैं? क्या हुआ है किसको? माँ वो मेरी दवाइयाँ हैं, बॉडी में थोड़ी वीकनेस लग रही थी तो ऑफिस से आते हुए डॉक्टर को दिखा दिया। वैसे डॉक्टर को देने के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मेरे ऑफिस में एक आदमी है, बहुत अच्छा है बेचारा, उसने उधारे दे दिए। सुष्मिता माँ के पैसे तुमने? आनंद, विजय जी ने एक महीने के अंदर अंदर अपने सारे पैसे मांगे हैं। 2 लाख रुपए का इंतजाम मैं किए देता हूं, बाकी 3 तुम देना। पर बाबूजी, हम तो अभी अभी जॉब शुरू किए हैं और सारी सैलरी भी आपके पास ही देने वाले हैं, फिर एक महीने में 3 लाख रुपए हम कहां से लेकर आएंगे? मैं कुछ नहीं जानता, भीख मांगो, डाका डालो, अपने ऑफिस से कर्जा ले लो, और अगर उससे भी बात ना बने तो अपने आप को बेच दो, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। माँ आप ही समझाइए ना बाबूजी को। क्या समझाए हम? अरे वाह, खाना चालू भी हो गया। अरे हर्षित बेटा कहाँ थे तुम? तुम्हें फोन भी लगाया, फोन नहीं लग रहा था। आओ बैठो, खाना खाओ। बस अपने प्यारे आनंद भैया और उनकी धर्म पत्नी सुष्मिता जी के झूठ के बारे में पता करना। और क्या पता किया तुमने? यही कि आप बाप नहीं बन सकते। हर्षित ये क्या बकवास है? अरे मजाक की भी एक हद होती है, हमारे प्यार दुलार का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोल दोगे। मामी मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बस आपके और मामा की आंखें खोलना चाह रहा हूँ, जिसमें आपके बेटे और बहू धूल झोंक रहे हैं। भाभी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, कम से कम आप तो मामी को बता सकती थी ना कि भैया ना मर्दानगी की दवा खाते। ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? मुझे तो उसी दिन शक हो गया था। वहां बहुत सारे पैसे थे लेकिन मैंने सिर्फ 1700 ही उठाए। कुछ तो राज है, पता करना पड़ेगा। सुष्मिता मैं तो चोर था ही, लेकिन मेरी मजबूरियों ने तुम्हें भी चोर बना दिया। सॉरी, लगता है कोई है। कोई भी नहीं है, वहम होगा शायद। और आज मैंने भाभी के कबर्ड में
ये डॉक्टर की पर्ची देखी, अभी अभी मेडिकल शॉप से पूछ के आ रहा हूं कि ये किस चीज की दवाई है। देखिए मामा, तो रिश्तेदार नहीं है इस घर का, भेदी है, आस्तीन के सांप। अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, चल निकल, निकल इस घर से। आनंद छोड़ इसे, छोड़। घर का भेदी हर्षित नहीं है, बल्कि तुम दोनों पति पत्नी इस घर के दुश्मन हो। इतना बड़ा झूठ, और वो भी अपने माँ बाप से। तो क्या कहता हूं मैं आपसे कि आपका बेटा ना मर्द है, नपुंसक है आपका बेटा। हे भगवान, अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी। इतना बड़ा कलंक लग गया परिवार। ऐसा नहीं है माँ जी, इलाज चल रहा है आनंद का, सब ठीक हो जाएगा। बच्चा ना होना कोई गुनाह नहीं होता, वैसे भी अभी बहुत वक्त नहीं निकला है। एक महीना, सिर्फ एक महीने का वक्त है तुम दोनों पति पत्नी के पास। मुझे 3 लाख रुपए लाके दो और पोता होने की खुशखबरी दी, वरना 31वें दिन खामोशी के साथ इस घर को छोड़ देना। किस काम का वो वृक्ष जो ना फल दे सके ना साया, खा लिया खाना। आज 1 महीना भी पूरा हो गया, समझ में नहीं आता कि घर जाके बाऊजी को क्या जवाब देंगे। आनंद भैया, ये यहां क्या कर रहा है? इसको तो अपनी जॉब पे होना चाहिए था। किधर गायब हो गया ये? कोई तो ये नया चक्कर है। भैया, अभी अभी एक यहाँ पे आदमी बैठा हुआ था, तो उसने चाय के पैसे दिए आपके। अच्छा, वो जिसके पीछे आप भाग रहे थे? हाँ जी, हाँ जी भाई। वो चाय पीता कहाँ है? पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, 11 बजे के आसपास अपना बैग लेता है और आके इधर बैठ जाता है चुपचाप, और 5 बजे के आसपास शाम को वो वापस चला जाता है। ना कभी किसी से कुछ बोलता है, ना कुछ करता है, लेकिन हाँ, 1-2 बार पानी पीने आता है यहाँ पे। अच्छा भैया, धन्यवाद। अच्छा, तो ये खेला खेला जा रहा है। अब निकालता हूं मैं दोनों मियां बीबी की हेकड़ी। क्या कर रही है? प्यार, जिसे तुम गुनाह समझती हो। निकल यहाँ से, वरना मैं खींच के तुझे अम्मा बाऊजी के पास लेके जाऊंगी। वो तुम्हारी सुनते कहाँ है भाभी, मैं तो बस तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ। आनंद भैया का राज सुन के ना तुम्हारा माथा ठनक जाएगा। तुझे और कुछ काम नहीं है क्या? ये राज की बातें पता करते फिरता है बस। एग्जाम में भी ना राज की बातें लिख के आना। निकल जा यहाँ से तू। तुम्हें पता है भाभी, आनंद भैया कोई जॉब नहीं करते। सोचो, वो तुमसे भी झूठ बोलते हैं। दिन भर एक चाय की टपरी पे बैठे रहते हैं और शाम को घर पे वापस आ जाते हैं। जॉब कंप्लीट और पेमेंट निल।
झूठ बोल रहा है तू। मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ भाभी, मुझे देखते ही एकदम भागने लगे। हर्षित, तू अम्मा बाऊजी से भी बोल देगा क्या ये बात? नहीं भी बता सकता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लो तो। क्या? देखो भाभी, आनंद भैया की बीमारी के बारे में तो तुम भी जानती हो, और बेचारे कुछ कर भी नहीं पाते हैं वो। बस भाभी तुम मुझे भी खुश करती रहो, मैं चुप रहूंगा एकदम भाभी। मैं पापा से बोलकर एक दो महीने के लिए उनसे पैसे मांगने के लिए भी मना कर दूंगा, फिर घर में भी शांति रहेगी भाभी। और भाभी देखना, मैं तुम्हें वो आनंद दूंगा जो आनंद भैया कभी नहीं दे पाए। चुप कर बदतमीज, वरना मैं तेरा खून कर दूंगी। निकल यहां से, जा। मेरे प्यार को ठुकरा है ना तूने? अब देख तुम, तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आनंद, अगर ये बात सच हुई ना तो तुमने अच्छा नहीं किया, मैं मुझसे झूठ नहीं बोलना था। लो आ गए हम। सुष्मिता, आप सब लोग हमें ऐसे घूर क्यों रहे हैं? आनंद, अब और कितना झूठ बोलोगे हमसे? कब तक हमें धोखे में रखोगे? तुमने अपनी बीमारी के बारे में हमसे बात नहीं की, अब और क्या, कब तक सहे हम? बाऊजी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? बात क्या है? नौकरी तो मिली नहीं, एक महीने से झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हो, और हमसे भी आगे झूठ बुलवा रहे हो। मैंने खुशी में आके पता नहीं किस किस से कह दिया कि हमारे आनंद को नौकरी मिल गई है, क्यों बोलते हो तुम झूठ? बाऊजी, हमने इसलिए झूठ बोला था कि इस परिवार में शांति बनी रहे। आनंद, तुम मुझे तो बता सकते थे ना, मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे झूठ में, तुम्हारे सच में, तुम्हारी हर एक तकलीफ, हर एक दुख, मैंने तो तुम्हें कभी ताना नहीं मारा, फिर क्यों झूठ बोला मुझसे? मैं तो खुश हो गई थी, मेरा पति अब नौकरी करने लगा है, कम से कम मुझे एक निठल्ले और निकम्मे की बीवी होने का ताना तो नहीं सुनना पड़ेगा। पर अब तो तुमने मुझे और शर्मिंदा कर दिया। सुष्मिता, देखो तुम मेरे नौकरी लगने की खबर से बहुत खुश थे, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, पर माई बाऊजी हम फोन पर हर दिन नौकरी के लिए ट्राई कर ही रहे हैं ना, हमें लगा इस महीने ना सही अगले महीने नौकरी मिल ही जाएगी। कैसे मिलती तुम्हें नौकरी? हाँ, अरे माँ बाप से झूठ बोलकर तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? ना अच्छे बेटे बन पाए और ना ही अच्छे पति, अरे झूठे हो तुम, झूठे। माँ, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए। तो क्या बोलूं मैं? हाँ, ना तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम दोनों मियां बीवी हमें पोता दे सकते हो। अरे अब तो हम भी यही कह रहे हैं, अरे तुम किसी काबिल हो ही नहीं, इसलिए अपनी बीवी को लेकर निकल जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। अरे दूर हो जाओ हमारी नजरों से, पीछा छोड़ो हमारा। नहीं मृदुला, शांत हो जाओ, मरे हुए को और क्या मारना, निकृष्ट हो चुके हैं ये, समाप्त। मामा इतने शांत क्यों रह गए? बिल्कुल भड़के ही नहीं इस पर। अकाउंट में सिर्फ 2,05,000 ही हैं। समझ में नहीं आता विजय जी को 5,00,000 रुपए कहां से लाके दूंगा। हाँ, उनका फोन किसी भी वक्त आ सकता है।
जी मामा, मैंने सबको बता दिया कि मैं और आप बाद में खाना खाएंगे। बाकी सब खाना खा रहे हैं ना? हाँ, बस खाने वाले। आओ बैठ जाओ मेरे पास। हर्षित, मैंने खाने में नशे की गोलियां मिला दी हैं। बस कुछ ही देर में सब बेहोशी के आलम में पहुंच जाएंगे। मामा ये क्या बोल रहे हो आप? आपने ऐसा क्यों किया? देखो हर्षित, मेरा बेटा आनंद ना मुझे पैसे दे सकता है और ना पोता। एक बात बताओ, तुम्हें सुष्मिता अच्छी लगती है ना? मामा ये क्या बोल रहे हो आप? लगता है आपको बहुत चढ़ गई है, आप आराम कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल होश आवाज में हूं। बताओ हर्षित, तुम्हें सुष्मिता अच्छी लगती है या नहीं? हाँ मामा, वैसे मुझे भाभी अच्छी तो लगती है। बहुत अच्छी बात है हर्षित। अब थोड़ी देर में सुष्मिता के कमरे में चले जाना, बाकी सब बेहोश पड़े सो रहे होंगे और तुम मुझे पोता देने के इंतजाम में लग जाओगे। क्या मतलब है आपका मामा? घबराओ नहीं हर्षित, इस घर को वारिस चाहिए जो तुम मुझे दोगे सुष्मिता के द्वारा। आपका मतलब क्या है मामा? ये सब ठीक नहीं लग रहा मुझे। समय की यही मांग है बेटा, समय की। कहो, तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूं? लेकिन मामा, भैया भी तो कमरे में होंगे, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। मैं तुम्हारा डर अभी दूर कर देता हूं। ऐसे दो पैग लगा लो, सारा डर खत्म हो जाएगा। लो लो, मामा की बात मत टालो। शाबाश। अरे, ये आनंद के बाबूजी कहां गए? आनंद के बाबूजी, लगता है हर्षित के कमरे में ही सो गए, जाकर देखते हूं। यहां भी नहीं है तू? पता नहीं माँ जी इतना क्यों चिल्ला रही है। चलो देखते हैं। हर्षित, ये यहां क्या कर रहे हैं? हर्षित, हर्षित, अरे ये तो मर चुका है। हर्षित मां, देखो तुम्हारी बापू जी हमें छोड़ के चले गए। क्या? किसी ने मार दिया ने? बाबूजी, माँ, ऊपर हर्षित भी मरा पड़ा है हमारे रूम में। क्या? नहीं, माँ, माँ संभालो। Ha 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 ha!
साधना, ये सारी चीजें एविडेंस बैग में डालो। दूसरी बॉडी कहाँ है? सर वो ऊपर वाले बेडरूम में। चलो दिखाओ। शायद चोर आए थे सर। जब बाबूजी और हर्षित ने उन्हें रोकने की कोशिश की होगी तो शायद ये हादसा हो गया। मार डाला चोरों ने हर्षित और मेरे बाबूजी को। मगर लूट का तो कोई निशान नहीं मिला हमें। आपके परिवार की किसी से कोई ज्यादती दुश्मनी? नहीं सर, हमारा ना कोई दुश्मन था ना है। मसला यह है कि दो डेड बॉडीज पाई गई है दो अलग अलग जगहों से। पर कैसे? हर्षित की बॉडी तो आपके रूम से ही मिली है। इतना सब कुछ हो रहा था घर में, आप में से किसी को कुछ पता ही नहीं चला? सर उस दिन पता नहीं क्या हो गया था, कैसा मनहूस दिन था कि हमारी नींद ही नहीं खुली। और आप दोनों की भी नींद नहीं खुली थी? सर हम सच कह रहे हैं, हम तो खुद माजी का रोना सुनकर जागे थे। गोविंद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और आप में से कोई भी शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा मेरी परमिशन के बिना, ठीक है? चलो। विजय जी, हम तो आपसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहे। हर्षित को आपने हमारे पास पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन अब तो हम उसे वापस भी नहीं कर पाए। क्या बोलूं भाभी जी, नुकसान तो हम दोनों का हो गया ना। भाई साहब भी तो नहीं रहे। इंस्पेक्टर, अब सर कुछ पता चला क्या? बिल्कुल पता चला है। आप सभी के रिपोर्ट्स आ चुके हैं। आप सभी के ब्लड में ड्रग्स के ट्रेसेस पाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने जानबूझकर आप सभी को बेहोश किया था। मगर एक शख्स है जिसके शरीर में कोई ड्रग्स नहीं पाया गया है। मिस्टर आनंद, चले पुलिस स्टेशन। सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा, यकीन से कह रहा हूँ। हर्षित के गले पर और उस बोतल पर तुम्हारे उंगलियों के निशान पाए गए। तुमने किया ये सब? हाँ तुमने किया, वरना कैसे मिलती पुलिस का तुम्हारे उंगलियों के निशान? क्यों किया तुमने? क्यों किया? अब सारा सच बोलोगे या थाने ले जाकर सारा सच निकलवाऊं? हर्षित, तेरी इतनी हिम्मत, तू यहां तक भी आ गया? अरे तू उठ कैसे गया? मामा ने तो सबके खाने में नशे की दवाई मिलाई थी ताकि मैं अपना काम कर सकूं। चल मामा के पास ही चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं। चल चल छोड़। आज मेरे और सुष्मिता के बीच आने की कोशिश की ना
तो ठीक नहीं होगा। मामा ने मुझे ऑर्डर दिया है ताकि मैं उन्हें पोता दे सकूं। मेरी सुष्मिता भाभी, तेरा किस्सा ही खत्म करता हूं आज। बाबूजी, आज क्या किए हैं आप? हर्षद को सुष्मिता के रूम में भेजे थे ना? तो क्या करूं, पोता तो चाहिए ना। अरे तू नामर्द है नामर्द, इसीलिए एक मर्द को भेजा था तेरे कमरे में। तू नालायक, निठल्ला, निकम्मा, नामर्द, सब कुछ तो तू हो गया। आपने हमें आज खूनी भी बना दिया, मार दिए हैं आपके मर्द हर्षद को। क्या, अर्षद मर गया? हाँ, काम तमाम कर दिया हम उसका। अरे तो तू कैसे जिंदा बच गया? तेरी लाश पे से चल के जाऊंगा मैं अर्षद को देखने। तू देख, खूनी दरिंदे कातिल। जब उस रात में घर आया तो मेरी फैमिली के सभी लोगों ने मुझे बहुत सुनाया, ताने मारे, इसलिए मेरा मन उदास हो गया और मैं बिना खाना खाए ही अपने रूम में जाके सो गया। और इसीलिए उस खाने में मिले नशे का असर तुम पर नहीं हुआ शायद। और जब आधी रात को हर्षित मेरे रूम में आया तो मेरी नींद खुल गई। उसे देख के मुझे बहुत गुस्सा आया और इसलिए मैंने मार दिया उसको। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है और मुझे इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। सजा तो मिलेगी तुम्हें गोविंद, लेकर चलो इसे।